हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और लाजवाब नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसे बनाना इतना आसान है कि हर कोई इस नाश्ते को बना सकता है। और इस नाश्ते को हम रात के बचे हुए चावल से बनाकर तैयार करेंगे। जब भी चावल बच जाते हैं तो कोई रात के बचे हुए चावल को खाना पसंद नहीं करता है। तो जो नाश्ता आज बनकर तैयार होगा रात के बचे हुए चावल से, उस नाश्ते को खाने के लिए कोई भी मना ही नहीं कर पाएगा और आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया ये चटपटा सा नाश्ता। तो इस नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं रात के बचे हुए चावल। यदि इसे कप से मेजर करेंगे तो ये एक कप रात के बचे हुए चावल है। आप चाहें तो इस नाश्ते को ताजे चावल से भी बना सकते हैं, पर अधिकतर ऐसा होता है ना कि हम चावल बनाते हैं और बच जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इस चावल का क्या करा जाए। तो आज चावल से हम बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना रहे हैं। अब इन चावलों को हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, यदि आप तीखी वाली हरी मिर्च डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीबन सूजी। तो आप सूजी यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी क्वालिटी की ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि हमें सूजी को ही ग्राइंड करना है। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून के करीबन दही। दही एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही ज़्यादा खट्टा होगा तो नाश्ता जो है खाने में बहुत ही हमें खट्टा लगेगा। साथ ही इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, तो 1/2 कप के करीबन मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा से पानी का और यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ज़रूरत लगी थी तो मैंने थोड़े से पानी का यूज़ और किया था, और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीसकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर आपको इसको तैयार करना है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। बचे हुए चावल से मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है, यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा और उन रेसिपी को इंजॉय करिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। बेसिक से मसाले हम इसमें डालेंगे जो हमारे घर में हमेशा रखे होते हैं, और कम मसाले डालकर हम इस नाश्ते को बनाएंगे तो भी नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसमें अपनी इच्छा अनुसार मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जो मसाले आपके घर में आप यूज़ करते हैं। 1/2 चम्मच के करीबन डाल देते हैं नमक, लेकिन नमक थोड़ा ध्यान से डालिए। मैं चावल बनाते समय नमक डालती हूँ, आप डालते हैं या नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, यदि आपके घर में कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 मिर्च को स्किप कर सकते हैं। फिर बढ़िया सा चटपटा टेस्ट लाने के लिए 1/2 चम्मच के करीबन डालेंगे चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के करीबन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कलौंजी। आप चाहें तो काली तिल भी डाल सकते हैं। कलौंजी से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और कलौंजी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 पैकेट इनो फूड सॉल्ट। तो आप रेगुलर वाला इनो फूड सॉल्ट कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, और यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने का सोडा डालकर भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन इनो से बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट आता है। तो 1 पैकेट इनो हम इसमें पूरा डाल देंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। इस बात का ध्यान रखिए इसमें एकदम ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, बैटर एकदम ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। अब अच्छे से इनो को पूरे बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। ये नाश्ता खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। जब आप बनाएंगे ना तो सारा नाश्ता कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके बचे हुए चावल भी फिनिश हो जाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अधिकतर ऐसा होता है ना, चावल बचते हैं तो घर में ऐसे खाने को देते हैं तो कोई खाता नहीं है, और हम बढ़िया सा नाश्ता बना के देंगे ना तो चावल फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, और आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह का यहाँ पर आपको बैटर रखना है। तो मैं इस प्लेट में नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो इसे हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन लें, वो बर्तन थोड़ा सा गहरा होना चाहिए और अच्छी तरह से उसे ऑयल लगाकर ग्रीस ज़रूर करें, ताकि जब हम नाश्ते को प्लेट से बाहर निकालें तो बहुत ही ईजिली से जो नाश्ता है वो निकल जाए। अब जो हमने यहाँ पर बैटर रेडी किया है, उस बैटर को हम इस तरह से इस थाली के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से पूरे बैटर को हम इस तरह से फैला देंगे। ये प्रोसेस को आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि इनो को डालने के बाद यदि आप बैटर को ज़्यादा देर रखेंगे तो इनो का सारा एक्टिव पावर ख़त्म हो जाएगा और नाश्ता जो है वो सॉफ्ट और फूला हुआ नहीं बनेगा। तो ये थाली में मैंने बैटर डालकर बिल्कुल रेडी कर लिया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे हमारा नाश्ता जो है ना लुकवाइज भी दिखने में बढ़िया लगेगा। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा हो तो इस तरह से स्प्रिंकल करें, नहीं तो आप ऐसे भी इस नाश्ते को पका सकते हैं। अब इस नाश्ते को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर प्लेट रख देंगे। तो मैंने जो प्लेट ली है बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गई है,
यदि आप थोड़ा सा छोटा बर्तन ले रहे हैं तो कढ़ाई के अंदर आप थोड़ा सा स्टैंड रखिए और उस स्टैंड के ऊपर आप उस थाली को रखिए। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके करीबन 15 मिनट के लिए इसे हम मीडियम से लो फ्लेम के बीच में पकने देंगे। बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो नाश्ता है वो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो 10 से 15 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट में जो नाश्ता बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये पक गया है। गैस को बंद कर देंगे, उस प्लेट को उठाकर हम अच्छी तरह से साइड में रख देंगे और पूरी तरह से इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे हम कट करेंगे। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे छोटे छोटे से स्क्वायर से शेप में कट करने वाली हूँ। इस नाश्ते का स्वाद ढोकले से कुछ कम नहीं आता है, ढोकले से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। और बनाने में कितना ईजी है आपने देख ही लिया होगा। अब आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते में थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जिससे क्या होगा कि इस नाश्ते का स्वाद जो है वो और बढ़ जाएगा और नाश्ता खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का यूज़ भी बहुत ही कम होता है। यदि आप कम तेल का खाना पसंद करते हैं तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया है, बचे हुए चावल का नाश्ता। अब इसके लाजवाब स्वाद का टेस्ट लेने के लिए आपको इस नाश्ते को ट्राई करना होगा, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल। अब तेल को हम इस तरह से पूरे पैन के अंदर फैला देंगे और हल्का सा ऐसे गर्म होने देंगे। तो तेल ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म भी हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन राई और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। और राई को जब भी तेल में डालें तो उसे अच्छे से फूटने दें। यदि राई अच्छी तरह से नहीं चटकती है ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं राई में अच्छे से फूटने की आवाज़ आने लगी, मीन्स राई अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 कड़ी पत्ते, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो थोड़े से हम कड़ी पत्तों को इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और हल्का सा तेल में फ्राई होने देंगे। यदि आपके पास कड़ी पत्ते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हरे धनिया को भी काट कर डाल सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ते डालने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब एक एक नाश्ते के पीसेस को उठाकर हम इस तरह से तवे के ऊपर रखेंगे और बढ़िया से इसे एक साइड से हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकेंगे। ज़्यादा देर इसे हमें नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा ही इसे हमें पकाना है ताकि ये जो नाश्ता है हल्का सा क्रिस्पी भी हो जाए। जब इसे हम भाप में से बाहर निकालते हैं तो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और जब इस तरह से थोड़ा सा तड़के में लगाते हैं ना तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये हल्का हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक साइड से इसे हम तड़के में पकने देते हैं। तो एक साइड से ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से तड़के में पक चुके हैं, इसे हम पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। तो सभी को हम पलट देंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। तो मैंने इन्हें दोनों साइड से पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लिया है। ये तड़के में अच्छी तरह से पक चुके हैं, हल्के हल्के से क्रिस्पी भी दिखाई दे रहे हैं। आप इसे अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि इस नाश्ते को खाने के बाद आप चावल को बचा के रखेंगे यह नाश्ता बनाने के लिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।